किस दुनिया में आपकी होस्ट माहा और सबिया आपको वेलकम करते हैं। In our today's show, we're going to have our guest for the first time on our set. She has the passion of sports and is interested in singing too. So now let's welcome Maryam Mehdi. Hello. How are you? I'm good. How are you? We're good too. Welcome to our show. Thank you so much for having me here. आपको हमारे शो में आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए पहली अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता सकती हूँ, अपने एक्सपीरियंस के लिए बता सकती हूँ, एंड या आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। ओह दैट्स ग्रेट। मरियम जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम मरियम मेहदी है एंड आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ थ्रोबॉल। मैं बास्केटबॉल भी खेलती हूँ, टेबल टेनिस भी खेलती हूँ, और बस जितने भी मुझे स्पोर्ट्स में मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो आई प्ले एवरी गेम, एवरी अपॉर्चुनिटी, I take it, so yeah. Oh, that's great, Maryam Baji. Guys, Maryam Baji is our cousin and we feel so proud when she goes to different cities and win. Maryam Baji, how do you manage your sports and study? डिफ़िकल्ट बहुत होता है, बट हम लेट लेट स्कूल में रुक के अपने काम करते हैं, अलग से पेपर्स देते हैं ताकि हम अपने स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करें और स्टडीज़ में भी एक्सेल करें। अच्छा, फबिया जाओ मरियम बाजी के अवार्ड्स लेकर आओ। अच्छा जाओ बाजी, अब आप अपनी विक्ट्रीज दिखाएं। तो ये मेरा गोल्ड मेडल है 33rd नेशनल ओलंपिक्स का, जो कि मैंने लास्ट ईयर विन किया था सिंध की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए। बाकी ये भी मेरे नेशनल चैम्पियनशिप के मेडल्स हैं, गोल्ड सिल्वर एंड अदर देन दिस। ये एक पाकिस्तान थ्रोबॉल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें मैं कैप्टन थी टीम की, हमने सेकंड पोजीशन ली थी। एंड ये इन हमने कॉलेज के साथ मैच जीता था, तो उसकी वाओ मरियम बाजी, थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने मरियम बाजी के साथ अपने चाइल्डहुड से ही बहुत मेमोरीज बनाई हैं। हम लोग बहुत खेलते थे और स्लीप ओवर भी बहुत करते थे, और यू नो इन्होंने ही मुझे थ्रोबॉल सिखाई है और इनकी वजह से अब मैं स्कूल में भी थ्रोबॉल खेलती हूँ। मरियम बाजी, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आप आज तक नहीं भूली हो वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, वहाँ एक दफ़ा जब मैं अपने फर्स्ट नेशनल्स पे गई थी तो मुझे पेशावर से वापस जल्दी आना पड़ा था, तो मैं अकेले आ रही थी अपने क्या कहते हैं प्लेन से, मैं अकेले आ रही थी, मैं फ़र्स्ट टाइम अकेले ट्रैवल करी थी, और मेरे पास ना अपना कोई पासपोर्ट था ना NIC था। तो जब उन्होंने मुझे रोका कि आपके पास तो कुछ है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि आपका टिकट है, तो फिर कॉल करने की कोशिश की, मेरी फ़्लाइट मिस हो रही थी, बहुत लेट हो रहा था, तो फिर अंदर से कोई आर्मी के निकल के आए जो वहाँ से जा रहे थे, तो उन्होंने उसमें जो है मुझे देखा और उन्होंने पूछा कि आप यहाँ पे आप कौन हैं, आप कहाँ जा रही हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं सिंध की प्लेयर हूँ, मैं यहाँ नेशनल्स खेलने आई थी और मैं वापस जा रही हूँ। तो ना मुझे किसी सिक्योरिटी चेक से जाना पड़ा, ना मुझे कोई अपने लगेज के लिए, मुझे कुछ भी नहीं, वो मुझे सीधा वहाँ से बिजनेस लाउंज में जाके बैठा दिया, मेरा लगेज उन्होंने किया, मैं किसी सिक्योरिटी से नहीं गई, मैं सीधा फिर वहाँ से बिजनेस लाउंज से प्लेन में गई। मैं जब कराची में उतरी तो मेरे क्या कहते हैं मुझे क्या मेरे वहाँ पे भी लोगों ने जो है वो मुझे देखा कि मैं, क्योंकि मैं अपने पूरे मैं अपने किट में थी, मेरे पीछे सिंध लिखा हुआ था, मैं गेम खेलते ही प्लेन की तरफ आ गई थी, तो मैं उन्होंने मुझे देखा लिखा तो उन्होंने कहा आप कहाँ से आई हैं, तो मैंने बोला कि मैं पेशावर से आई हूँ अभी खेल के। उन्होंने कहा किसकी तरफ से, तो मैंने कहा सिंध की तरफ से खेलें। उन्होंने पूछा आप जीत गए, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि मेरे पास मेडल लटके हुए थे, तो उन्होंने वो देख के पूछा, कहा जी हाँ हम जीत गए। तो फिर उन्होंने हमें क्या कहते हैं फ़ौरन ही उन्होंने मुझे वहाँ से, उनकी जो आर्मी थी उन्होंने मेरा लगेज निकलवा के दिया, मुझे उसके लिए भी कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे नई लाइन में लगना पड़ा, उन्होंने मेरा लगेज निकलवाया और मुझे बाहर तक जहाँ तक आपके खड़े होते हैं लोग आपको लेने आए होते हैं वहाँ तक वो मुझे लेके गए। और सबसे फनी पार्ट ये था कि मेरी फैमिली तो आई नहीं थी, मुझे इतना सारा प्रोटोकॉल मिल रहा था बट कोई आया नहीं था, तो वो मेरे साथ खड़े रहे जब तक मेरी फैमिली नहीं आई मुझे लेने के लिए। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब मेरे अपने लिए बहुत बड़ा एजाज की चीज़ थी कि मेरे साथ हर जगह आर्मी थी। वाह, ये तो बहुत अनफॉरगेटेबल था और आप बहुत प्राउड भी फील कर रहे हैं। यस फॉर श्योर। वहाँ तो मैं वाली, अब आप हमें कुछ गाकर सुनाएं।
आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। आप तो शुरू से अच्छा गाती हैं, लेकिन आप और भी ज्यादा अच्छा गाने लगी हैं। थैंक यू सो मच। हां फ्रेंड्स, हम पेंडेमिक की वजह से इतने लॉन्ग टाइम के बाद मिल रहे हैं। मरियम बाजी हमारे सेट पर आए और हम गेम्स ना खेलें, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमने रैपिड फायर प्लान किया है। इसमें कभी आपको एक वर्ड बताएगी और उससे उसको सुनकर आपको जो दिमाग में आए वो आपको बोलना है। ओके। और उसमें ट्विस्ट भी है, आपको इस बॉल को भी Okay. First word is sports. Me. Ball. Bat. Washroom. Shower. A dance. TikTok. So now I'm going to ask you questions and you have to answer that rapidly. Alright? Okay. The first one is, if you could buy any type of food right now, what would you buy? Lasagna. What is your color of toothbrush? Pink. So girly. If you could be any animal, what would it be and why? Dog. Why? Because they're too loyal. Who would you admire the most? My mom. Great. So that was all. Thank you for being with us. Thank you so much for inviting me, Maha. It was a pleasure. Great. Friends, hope you all enjoyed watching our today's show, and if you all like it, so like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon for all our notifications. Follow us on Instagram and Facebook. We're going to meet you all in our next video. Till then, take care and goodbye. Friends, hamari taraf se goodbye, aur ab Mariam Baji aapko ek gana sunayengi. Ye chehre ishq na jaane, ये पर्दे हटा देती है, जहाँ दिल का है ठिकाना ये राहें बता देती है। मुसाफिर मैं हूँ फिर भी मंजिल पास तो है, चलूँ मैं जिस राह पर तू है वहाँ चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सारी राह चलते चलते।